नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। सबसे पहले आप सभी को सिल्क टीवी परिवार की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। बरारी सीढ़ी घाट, मानिक सरकार घाट, बूढ़ानाथ घाट, SM कॉलेज गंगा घाट समेत कई गंगा घाटों पर कृत्रिम तालाबों के समीप लोगों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं प्रशासन की ओर से कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने और स्वच्छता को लेकर घाटों पर बैनर भी लगाया गया, जिसे सुरक्षित रूप से पूजन करने के साथ गंगा की स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा सके। वहीं इसी दौरान पूरे शहर और गंगा घाटों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि नगर निगम और विभिन्न पूजा समिति की ओर से भी छठ को लेकर व्रतियों की सुविधा के लिए कई तैयारियां की गई थी। जबकि शनिवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। सूर्य उपासना का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना कर अर्घ दिया, साथ ही छठी मैया और मां गंगा की भी पूजा की। शहर के कई गंगा घाटों पर पूरी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की आराधना की। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर एक ओर जहां भागलपुर के शहरी क्षेत्र में पूरे उत्साह का माहौल देखा गया, शहर के बूढ़ानाथ, सिकंदरपुर समेत कई मोहल्लों में लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना की। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आस्था के साथ लोगों ने छठ पर्व मनाया। जिले के जगदीशपुर, गोराडी, कहलगांव, पिरपैती प्रखंड में भी गंगा घाट, तालाबों और घरों में लोगों ने उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया। आइए हम आपको दिखाते हैं जिले भर में मनाए गए छठ की झलकियां।
पे चलते चलते आप सभी को सिल्क टीवी परिवार की ओर से एक बार फिर छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।